आज मैं आपको फोटोशॉप के अंदर एक बहुत ही इजी टेक्निक, एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी ड्रेस के ऊपर लोगों को कैसे ब्लेंड करते हैं, कैसे उसके साथ मिक्स करते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे देखिए कोट आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर देखिए एक लोगो लगा हुआ आपको दिख रहा है। और सबसे ख़ास बात यह है कि अगर मैं इस लोगो को देखिए यहाँ पे रख रहा हूँ, देखिए तो पीछे का जो कोट का फोल्ड है वो भी आपको नज़र आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे ये फोल्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे कोट का इस पोर्शन में, अगर मैं इस लोगो को ऐसे लगाता हूँ देखिए, तो पीछे का जो फोल्ड है कोट का वो सब भी आपको इसको नज़र आ रहा है, जैसे नेचुरल लग रहा है। जनरली क्या होता है, जब हम लोग कोई लोगो लगाते हैं किसी ड्रेस के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर या शर्ट के ऊपर, तो उसमें जो फोल्डिंग रहता है, फोल्ड रहता है, वो नज़र नहीं आता, लगता है जैसे ऊपर से लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ तो देखिए जो आपका ये देख सकते हैं टाई है वो भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे रख रहा हूँ, इस जगह पे रख रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे ये देखिए फोल्ड सब भी आपको नज़र आएगा। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ ये देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो देखिए ये सब भी आपको पीछे का जो फोल्ड है वो सब भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ देखिए, पीछे का जो बटन वगैरह है वो सब भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये कैसे मैंने किया ये मैं आपको बताऊँगा। एक एग्ज़ाम्पल और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए किसी में भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक एग्ज़ाम्पल देखें, यहाँ पे देखिए इसको मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ देखिए, पीछे का जो बैकग्राउंड का है वो भी आपको हल्का हल्का दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं लगेगा आपको, इसको नेचुरल लगेगा कि इसके ऊपर लगा हुआ है। एक एग्ज़ाम्पल और देखिए, यहाँ पर सेम वही टेक्निक है, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये मॉडल आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये कॉर्नर पे ध्यान से देखिएगा, ये टी शर्ट में देखिए फोल्ड आपको नज़र आ रहा है। अब इसके ऊपर मैं अगर रखता हूँ तो देखिए फोल्ड भी आपको नज़र आएगा, ध्यान से देखिएगा फोल्ड भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे लगा रहा हूँ तो देखिए पेट पे यहाँ पे जो फोल्ड्स है वो सब भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये सिंपल टेक्निक के माध्यम से आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब कैसे करते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, और ये मैं आपको बताऊँगा फोटोशॉप 7.0 के अंदर, क्योंकि देखिए फोटोशॉप 7 जो है सभी के पास अवेलेबल है। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन हैं जिसके पास महंगे वाले कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, लेकिन फोटोशॉप 7 क्या है, लो कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप कंप्यूटर सब में काम करता है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे करते हैं। ये तो हम लोगों ने देखा है, इसको मैं थोड़ा ओपन, इसको भी देख लिया हम लोगों ने, अब मैं इसको थोड़ा ओपन करता हूँ, ये वाला था देख लिया, अब इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, ये मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। देखिए तो सबसे पहले जो काम करना है, इसको भी थोड़ा सा मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। फोटोशॉप को ओपन करें, फाइल में जाएं, न्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ से नया पेज आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ डायरेक्टली फ़ोटो के ऊपर भी कर सकते हैं। तो फाइल में जाके हम लोग ओपन पे क्लिक करेंगे, उस फ़ोटो को लेकर आते हैं, इसके ऊपर मुझे लोगों को लगाना है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, वही सेम फ़ोटो लूँगा, जैसे यहाँ पे एक फ़ोटो है प्रोफेशनल मैन का, यहाँ पे ओपन यहाँ पे तो किया हुआ है, यहाँ पे है ये देखिए ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे देखिए ये फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं। तो फ़ोटो को यहाँ पे फ़ोटो आ गया, अब इस पर लोगो लगाना है, तो लोगो लेकर आएंगे, फाइल में जाते हैं, कोई सा भी फ़ोटो हो सकता है, चाहे PNG फॉर्मेट में हो, चाहे वो आपका JPG फॉर्मेट में है जिसका बैकग्राउंड भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट फ़ोटो रखा हुआ है मॉडल का। यहाँ पर फाइल में जाते हैं, ओपन पर क्लिक किया मैंने, ओपन का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आया। अब यहाँ से मैं वो लोगो लूँगा, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लोगो है, लोगो PNG फॉर्मेट में है जिसका बैकग्राउंड नहीं है, इस पर क्लिक करेंगे, ओपन किया मैंने। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप देखिए ये नया एक विंडो में ये लोगो यहाँ पे आ चुका है, इसका बैकग्राउंड नहीं है। अब इस लोगो को ड्रैग करके अपने इस मॉडल के ऊपर मैं रखूँगा, इसको लगाना है मुझे, अब इसकी आवश्यकता नहीं, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखिए मैंने जूम किया यहाँ से, और यहाँ से थोड़ा मैक्सिमाइज इसको कर देता हूँ। अब इस लोगो को मुझे लगाना है इस किसके ऊपर, अभी जैसे नेचुरली हम लोग लोगो अगर इस पर लगाएंगे तो ये ऐसे नेचुरल नहीं लगेगा, लगेगा ऊपर से ये पेस्ट किया हुआ या ऐसे लगा हुआ, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्केलिंग कर लेंगे, जितना बड़ा साइज आपको चाहिए, छोटा बड़ा जो भी करना है आप इसको साइज अपने हिसाब से कर लें। अब क्या करना है, कंट्रोल टी करके भी इसका आप स्केलिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे शो बाउंडिंग बॉक्स दिया हुआ है, ये ऑन करके रखने से क्या होगा, स्केलिंग का यहाँ पर आपको बटन दिया हुआ है। अब लेयर पैलेट में अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास दो लेयर है, पहला वाला जो लेयर है ये तस्वीर वाला लेयर है, दूसरा लेयर जो है उसके ऊपर लोगो लगा हुआ है। अब इसको हम लोग इस कोट के साथ या टी शर्ट के साथ किसी के साथ भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं यहाँ पे। तो ऊपर वाला लेयर को मैंने सेलेक्ट किया है, अब यहाँ पर या तो डबल क्लिक कीजिए, अदरवाइज़ इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर देखिए ब्लेंड ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें।
करने के बाद यहाँ पे देखिए लेयर स्टाइल का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आया है। अब यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन है, जनरल ब्लेंडिंग है, ब्लेंड मोड नॉर्मल है, ओपेसिटी 100 रखा है, फिल ओपेसिटी 100 है, चैनल 8 GB है, नॉकआउट नन है। यहाँ पे दो ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट किया, बाकी को नहीं किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे करना है इस पोर्शन में, यहाँ ब्लेंड इफ ग्रे है, अब अंडरलाइन लेयर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको दो भागों में एक ट्रायंगल दिखाई देगा। अब इसको करना क्या है, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट की होता है कीबोर्ड में, देखिएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कीबोर्ड है इस तरह, यहाँ पे आपका स्पेस बार है, ठीक उसके बगल में ऑल्ट की यहाँ भी है, ऑल्ट की इधर भी है। इसको दबा के रखना है, उसके बाद ड्रैग करना है। देखिए अब यहाँ पे मैं ऑल्ट की दबाता हूँ, ऑल्ट की दबाया, अब इसको जैसे जैसे मैं ड्रैग करूँगा ये आपको बैकग्राउंड के साथ देखिए ब्लेंड होता हुआ नज़र आएगा। देखिए मैं ऑल्ट की दबाता हूँ, सिंपली यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ, ये देखिए जितना मैं ब्लेंड करूँगा ये देखिए देख सकते हैं। आप ऑल्ट की नहीं दबाइएगा तो दो भागों में इस तरह से आपको ट्रायंगल नहीं आएगा। तो इसको जितना आप ड्रैग कीजिएगा इस तरह ब्लेंड होता हुआ ऑल्ट के साथ आपको नज़र आएगा। देखिए ये देखिए, अब ओके पे क्लिक कर दें। यहाँ पे अब देखिए कहीं पे भी मैं रखता हूँ तो पीछे का जो है आपका, जो पीछे का जो देखिए कोट का ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है या फोल्ड है वो सब नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर फोल्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पर फोल्ड नज़र आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ जिससे आप अच्छी तरह देख पाएँ। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये हैंड टूल पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिए कोट को ध्यान से देखिए, कोट में देखिए फोल्ड आपको नज़र आ रहा है। अब इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो देखिए फोल्ड भी आपको नज़र आ रहा है। देखिए फोल्ड है, ये जो भांज वगैरह है देखिए यहाँ पे है, ये जो कटिंग है यहाँ पे कोट का ये पे जगह पे, अगर मैं यहाँ पे भी लगाता हूँ तो पीछे का देखिए कोट का ये दिखाई देगा। मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ तो देखिए ऐसे आप दिख रहा है, देखिए ये फोल्ड वगैरह नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी मैं लगाता हूँ तो देखिए ये फोल्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए। तो ये ब्लेंड के माध्यम से, ऑल्ट के माध्यम से आप कर सकते हैं, फोटोशॉप 7 के अंदर भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास हायर वर्सन है तो भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप उसके बाद आप इसको JPG फॉर्मेट में सेव करना बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। और कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट अवश्य करें, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।